80 और 90 के दौर की हॉलीवुड फेमस सिंगर मैरी फ्रेडरिक्सन का 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे अपने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए एडिएशन ट्रीटमेंट से गुजर रही थी। जी हाँ, कई पॉप सॉन्ग के सहारे शोहरत हासिल करने वाली मैरी के लिए पिछला एक दशक से भी ज़्यादा का समय काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा रहा। रिपोर्ट की माने तो मैरी के परिवार वालों ने एक आधिकारिक बयान में सिंगर के निधन की घोषणा की। वे पिछले 17 सालों से कैंसर से लड़ रही थी। बता दें, इस सिंगर के फैंस इस खबर के बाद शॉक में हैं। जी हाँ, इनसे पहले साल 2002 में खबर आई थी कि मैरी को बाथरूम में गिरने की वजह से चोट आई है। इस दौरान उन्हें सर में चोट लगी थी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद पता चला कि सिंगर को ब्रेन ट्यूमर है। रिपोर्ट के मुताबिक मैरी को बचने के लिए महज 25% चांस बचे थे। मैरी ने इसके बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट का सहारा लिया। हालांकि उन्होंने साल 2016 तक परफॉर्म करना जारी रखा और कई सालों बाद उन्होंने इस साल से घोषणा की थी कि वे अपनी बीमारी के चलते परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैरी के निधन के बाद दुनिया भर से उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने फेडिंग लाइक ए फ्लावर, लिसन टू योर हार्ट जैसी कई फेमस गानों में अपनी आवाज दी है और उन्होंने 80 के दौर की सबसे कामयाब सिंगर्स में वो एक नाम उनका शुमार था। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।